और प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रवीण सारंग और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से थोड़ा आगे और आगे इसमें होगा इमेज फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक कि हमारे पास दो तरह के टोटल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब उन दोनों से हमें क्या करना है, हमें उन दोनों को यूज करके इमेज को फॉर्म कराना है। देखिए यहाँ पे इमेज जो फॉर्मेशन है पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस है। कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके रूल्स को यूज करके उसे कैरी आउट करना होता है। तो उसी तरीके से जब कोई मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा तो वहां पे कुछ रूल उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आज हम उन्हीं रूल्स से शुरू करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कभी भी किसी स्फेरिकल मिरर से अगर इमेज बनानी है तो कौन कौन से रूल्स को हमें यूज करना है। देयर आर टोटल 4 रूल्स, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो हम उन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इजी हो जाए और क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे हमारे कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से शुरू करते हैं और फर्स्ट रूल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हर एक रूल को मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा और डायग्राम का खुद का ही क्या है, एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। डायग्राम हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूं और ये रूल्स आपको याद कर लेने, मतलब देखिए इस तरीके से आपको क्या कॉनकेव मिरर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, यहां पे इस पॉइंट को हमने नाम दिया पोल, यहां पे मान लेते कहीं यू ही अपने अंदाजे से फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। इसे हमने प्रूफ भी किया था लास्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रूल की बात करते थे कि फर्स्ट रूल को पहले हम लिखेंगे नहीं, पहले डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद किससे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फोकस की डेफिनेशन भी थी, हम लोगों ने शुरुआत के में जब फोकस को डिफाइन किया था तो उस फोकस में हमने डिफाइन किया था कि कोई रे अगर पैरेलल है तो वो एक ही पॉइंट पे से होके जाएगी, उसे फोकस बोलेंगे। तो उसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखा रहा हूं फर्स्ट रूल में, अ रे इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनिशियली will pass through focus after reflection, ठीक है। पहला लोग क्लियर हो गया, ओके। अब बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ और दूसरे लॉ के अंदर हमें करना क्या है, दूसरा लॉ जस्ट इसका वाइस वर्सा है, इसका ऑपोजिट कर देना हम लोगों को। और जैसे पहले कोई पैरेलल थी तो फोकस से पास कर रही है, अब हम दूसरे लॉ के अंदर यही याद रखेंगे कि कोई रे अगर फोकस से पास होके जा रही है मिरर की तरफ तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, मतलब इसका वाइस वर्सा। मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, किसी रे को हम निकालते हैं फोकस से होता हुआ, ठीक है। यहां पे वो उसका रिफ्लेक्शन, तो अब वो पैरेलल हो जाएगी। अरे आपको बात समझ, चलिए इसको लिखते हैं, अ रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम parallel to principal axis, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे दो लॉस।
ओके okay, अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर थ्री की तरफ। तो थ्री में क्या है, देखिए थ्री रूल हमें बताता है कि अगर कोई भी रे नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे खुद मुड़ जाएगी, इसे हम बोलते हैं रीबेंड या फिर रीबेंट। ठीक है, तो रीबेंड या फिर रीबेंट क्या होता है, जैसे लाइट इस डायरेक्शन में आई, यहाँ पर उसने रिफ्लेक्शन इस पॉइंट को टच किया मिरर के, फिर इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ये एक्चुअली किसी स्फीयर का सेंटर है, सेंटर और ये स्फीयर का कोई पार्ट है, आपने सेंटर को स्फीयर से जोड़ा तो 90 डिग्री पे होगा। कोई रे अगर 90 डिग्री के डायरेक्शन में जा रही है नॉर्मल के डायरेक्शन में तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो जैसे वो गई थी बिल्कुल वैसे आएगी उसी पाथ पे, तभी तो जाके एंगल ऑफ उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जीरो हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम लिखेंगे कैसे, इस रूल को कैसे लिखेंगे कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीबेंड ऑन इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट्स इंसिडेंट इट इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस मोड, और इस नॉर्मल इंसिडेंस मोड को हम फिजिक्स में नाम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। अब फोर्थ रूल में क्या देखिए, फोर्थ रूल बोलते हैं कि अगर कोई रे पोल पे आती है तो पोल पे जब वो आती है तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ही क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही हमने यहाँ शो किया डायग्राम के अंदर कि कोई रे अगर पोल पे आती है तो पोल पे आने पर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बराबर। इसी चीज को हमने लिख लिया कि कोई भी रे अगर पोल पे फॉल होती है तो इट विल फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉनकेव मिरर के लिए चारों रूल्स। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोगों ने पहले यहाँ बना लेना है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, और इस कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट रूल को दिखाने के लिए मैंने एक रे को भी यहाँ दिखा दिया इस डायग्राम में। तो ये एक रे दिखा दी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा, फिर रे थोड़ी मुड़ जा रही है, वहां से बैंड हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी चीज रियल में तो होती नहीं है, हमेशा अपीयर ही होती है। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसे हम बोल सकते हैं कि एक तरह का वर्चुअल मिरर है। वर्चुअल मिरर क्यों, क्योंकि रियल माइंड में अगर आप इसे देखेंगे ना तो इसमें जितनी भी इमेजेस बनेंगे वो सारी वर्चुअल ही होंगी। तो हम इसे कॉन्वेक्स मिरर बोले या वर्चुअल मिरर बोले एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर फोकस भी वर्चुअल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल है। ठीक है, रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती तो जो इमेज बनेगी वो भी वर्चुअल, और अभी यहाँ पे जो इन रेज के साथ हो रहा है वो सब भी वर्चुअल हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट रूल में मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा, ये ऐसा अपीयर होगा जैसे कि वो रे कहां से निकल कर आ रही है, फोकस से निकल कर आ रही है। ठीक है, और रियल में तो फोकस से कुछ निकल नहीं रहा, बट ऐसा लगता है कि द रे इज द रिफ्लेक्टेड रे इज इमिटिंग आउट फ्रॉम इट्स फोकस, तो ये सिर्फ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सब कुछ अपीयर टू में पढ़ेंगे कि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस हो रहा है। ठीक है, आगे बस ना, एक और बात, अगर मैं एक और पैरेलल रे यहां ले लूं तो वो रे क्या हो जाएगी, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मुझे आप एक बार देख के बताइए, यहां से ऑब्जर्व कर रहे भी, एक बार आपको भी पता चल जाएगी आसानी से इजिली कि ये रे दोनों एक दूसरे से प्रिंसिपल एक्सिस से इतने इतने डिस्टेंस पे थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, क्या इस मिरर ने इन दोनों रेज को दूर दूर कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम इस मिरर का एक और नाम याद रख लेते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और अगर ये डाइवर्जिंग है तो एक बार आप कॉनकेव मिरर को फिर से याद कीजिए, वो सबके सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस पे लेकर आता है, एक पॉइंट पे लेकर आता है, वो कन्वर्ज करता है। तो इसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल की बात करते हैं, तो सेकंड रूल के अंदर हम लोग ये देखेंगे, इसका ही जस्ट उल्टा करेंगे, वापस से रिवर्स करेंगे। तो हम बताएंगे कि अगर कोई भी हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है सॉरी, तो उस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर कोई रे फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फोकस के डायरेक्शन में आनी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इसका जस्ट रिवर्स हो गया। अरे falling towards focus will
वी कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, एक बार से व्यू कीजिए, दोनों जो रूल्स है उनको व्यू कर लीजिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे से उलट हैं और यहां भी ऐसा लग रहा है कि द रे इज फॉलिंग टूवर्ड्स द फोकस, लेकिन फोकस तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं थर्ड रूल की, और थर्ड रूल में क्या है कि हम ये देखेंगे कि अगर कोई रे है जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो थर्ड रूल में हम ये बात करेंगे कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में मिरर पे आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। देखिए ये बिल्कुल वही हो गया जो थर्ड रूल था कॉन्केव का। कॉन्केव में हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है रियल में वो अपने पाथ पे रिबेंड हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होगा कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आती है, जैसे ये उसका डायरेक्शन है। ओके, तो थर्ड रूल हम अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और इस रूल में क्या होने वाला है कि लाइट की जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में फॉल होगी मिरर पे। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जब मिरर पे फॉल होगी तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा और इस पॉइंट पे ये रे वापस रिबेंड हो जाएगी, मतलब इसमें 180 डिग्री का टर्न आ जाएगा। ऐसे जाती जाती रे ऑफ लाइट वापस मुड़ जाएगी अपने पास पे। ठीक है, और ये भी केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉनकेव मिरर का था, ये एकदम नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है और इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होगी। ठीक है, इसे सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे सिंपल इंग्लिश में, रे विल रिबेंड, रिबेंड भी लिख सकते हैं, रिबेंड भी लिख सकते हैं, रिबेंड ऑन इट्स पाथ After reflection, when it falls in direction of center of curvature. ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल एकदम सिंपल और बेसिक लॉ है, इसे लिखने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें मैं कॉनकेव मिरर बनाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सेस बनाऊंगा। ठीक है, और पोल पे उसका लाइट को इंसिडेंट होते हुए दिखाऊंगा। तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट यहाँ पे आती है और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये आ रहा है। तो सिंपल सी जो बात हमें यहाँ देखने को मिलेगी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है तो उसके मोस्ट प्रोबेबल जिसे हम स्टैंडर्ड केसेस बोलते हैं वो किस तरीके से हमें याद रखने हैं, किस तरीके से मिरर बिहेव करता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि यू क्या है। ठीक है, हम कॉनकेव मिरर की बात करें पहली बात, कॉन्वेक्स किसके बात करें, तो बात करते हैं कि यू क्या है। देखिए, जब भी मैं कोई मिरर बनाऊंगा उसमें पोल डिफाइन करूंगा तो पोल से ऑब्जेक्ट जितने भी डिस्टेंस पे रखा होगा वो उसका क्या होगा, U होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और उसे हम U लेटर से सिंबलाइज करेंगे। सिमिलरली अब उस ऑब्जेक्ट की जो मिरर है वो एक इमेज बना देगा, तो इमेज जितने डिस्टेंस पे अपीयर हो रही होगी या बन रही होगी उसे हम बोलेंगे V, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ और स्टैंडर्ड केस को कैसे याद रखना, एक ट्रिक है। ठीक है, तो वो जो ट्रिक है मैंने याद कर रखी है, वैसे याद करने वाली ट्रिक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये मान लीजिए मैंने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहां से थोड़ा डिस्टेंस तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े से डिस्टेंस तक हम मान लेंगे सारे पॉइंट्स क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सी, और यहां पे थोड़े से डिस्टेंस पे चलते हैं मान लेंगे कि ये इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर स्टैंडर्ड केसेस याद रखने हैं तो ये डायग्राम बनाना है। दोबारा से देखते हैं, कॉनकेव मिरर,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक हम बात करेंगे और उस पोजीशन को नाम बोलेंगे हम लोग बिहाइंड सी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर थोड़े ही डिस्टेंस पे इंफिनिटी पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, ये छह, अब इसके अंदर हमें छह स्टैंडर्ड पोजीशंस याद रखनी है, छह स्टैंडर्ड केसेस याद रखने हैं यू और वी के रिलेशन के। और अगर आपको ये छह केसेस याद हो गए तो आप किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत हद तक इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी करने के लिए डायग्राम याद करना जरूरी है, ये केसेस याद रखना जरूरी है, छह स्टैंडर्ड ये हर बुक में दिए होंगे, आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। मैं आप छह पोजीशन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप उन छह पोजीशन को देखिए एक बार। पहली पोजीशन इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रख सकते हो। दूसरी पोजीशन बिहाइंड सेंटर ऑफ, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेकंड पोजीशन का नाम दे सकते हो। थर्ड पोजीशन आपकी होगी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर खुद, वो एक थर्ड पोजीशन है। सी और एफ के बीच के जितने भी पॉइंट हैं उन सबको अपन बोलेंगे फोर्थ पोजीशन। यहां से कहीं पर भी रखिए वो एक ही तरीके से आपको इमेज दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोकस की, तो फोकस खुद अपने आप में कौन सी पोजीशन है, पांचवी पोजीशन। और छठी जो पोजीशन है सिक्स्थ वन, वो एफ और पी के बीच की होगी, सिक्स्थ पोजीशन। ये छह पोजीशंस आपको याद रखनी है बस। ठीक है, और इन्हें याद क्यों रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा लाइट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना किसी भी कॉनकेव मिरर के केस के लिए, अगर आपके छह पोजीशंस अच्छे से याद है। ठीक है, अब याद करना चालू करते हैं। देखिए, अगर मान लो कोई अपने ऑब्जेक्ट को यहां रखता है इंफिनिटी पे, फर्स्ट पोजीशन पे रखता है, तो जो उसकी इमेज बनेगी ना वो फोकस पे बनेगी, क्योंकि जब कोई इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेगा तो सारी रेज मिरर तक आते आते पैरेलल हो ही जाएगी, पैरेलल होने के बाद में फोकस पे ही मिलेंगी, एक ही पॉइंट है जहां मिलेंगी। तो जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, उसकी एक पॉइंट रियल इमेज मिलेगी आपको कहां, फोकस पे। ठीक है, आगे ही बात समझ में ओके। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका उल्टा जो होगा ना, मतलब आप मान के चलिए इसका जो रिवर्स केस है वो भी ट्रू है। आपने यहां जब ऑब्जेक्ट को रखा तो आपको जो इमेज मिली वो फोकस पे मिली, अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको इमेज क्या मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन दो केसेस को, अगर आपको याद हो गए दो केसेस तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगता है। ठीक है, मतलब मैं पहला केस की मैं इंफिनिटी को यहां, मतलब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखता हूं तो इमेज कहां बनेगी बताइए, कहां बनेगी, फोकस पे। और दूसरा इसका जस्ट उल्टा, कि अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी। और इनके साइज में भी बहुत ज्यादा अंतर होगा। ठीक है, अच्छा इमेज कैसी होगी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक की आगे बात करेंगे, लेकिन इमेज अभी बता देते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं कि वो रियल होगी, रियल इमेज बनेगी अभी। ठीक है ओके, अब बात करते हैं बिहाइंड द सी, सी के जस्ट पीछे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही आपने सी के पीछे रखा तो जो आपका इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बिहाइंड द सी बनेगी। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के हैं, रिवर्स है। तो मैं थर्ड केस ले रहा हूं, थर्ड केस में मैं बोलूंगा कि अगर आपने इसे बिहाइंड सी रखा तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड सी। चार केसेस हो गए हैं, देखिए देखते देखते चार केसेस को हमने कवर कर लिया, पांचवें केस की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें केस के अंदर हम बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे हुआ, देखिए ये एकमात्र ऐसा केस है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, हुआ ना स्पेशल। ठीक है, सोचिए आप कि अगर मैं लिखता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है एट सी, तो इमेज भी एट सी बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, दोनों की पोजीशन एक हो गई, तो वो केस वो होगा जिसमें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हो। तो कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 40 सेंटीमीटर पे रखा, उसकी इमेज 40 सेंटीमीटर दूरी बन रही है,
ठीक है ना, पोल से, तो बताइए कि उसका फोकस क्या होगा। तो आपको पता चल गया 40 पे रखने से, अगर ऑब्जेक्ट 40 पे ही आपको अपीयर हो रहा है, उसकी इमेज अगर 40 पे अपीयर हो रही है, तो सिंपल सी बात है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो 40 है। और फोकस निकालने के लिए आप उसमें दो का डिविजन करेंगे और फोकस आपका निकल जाएगा। ठीक है, छठा केस इसमें स्पेशल है, पांच केसेस हो चुके हैं, मैं छठे केस का एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं। तो सिक्स जो स्टैंडर्ड केस है उसमें ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में यहां, ठीक है, और किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी दो रूल फॉलो करने, कोई दो रेस चाहिए जिनका रिफ्लेक्शन होने पे हम इंटरसेक्शन दिखा सके और इमेज को बना सके। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ओके। अब ये स्पेशल क्यों है, ये केस स्पेशल क्यों बोला मैंने, ये इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो वर्चुअल होगा। मतलब आप सुन के देखिए कि कॉनकेव केसेस के, कॉनकेव मिरर के मैं आपको टोटल 6 केसेस पढ़ा रहा हूं, जिसमें 5 रियल हैं जो हम पहले डिस्कस करके लिख चुके हैं, और एक छठा केस है जो वर्चुअल है, तो उसे तो अलग बताना ही चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने अलग बताया इसे, ये वर्चुअल होगा। और इस केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी, इससे पहले वाले सारे केसेस में जो होगी इमेज की जो हाइट होगी वो लगभग लगभग ऑब्जेक्ट के बराबर या उससे थोड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ वर्चुअल इमेज होगी, इनलार्ज होगी और पहली बार इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब सीधी की सीधी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी और उसी तरफ बनेगी। अभी तक जो इमेजेस बन रही थी वो इस तरफ बन रही थी, अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, कैसे क्या कर सकते हैं, कोई भी दो जनरल रूल लगा लेते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है। तो एक तो ये लगा लेते हैं कि पैरेलल है, पैरेलल तो भाई कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, ओके। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये फोकस पे आ रहा है और यहां से गया। अब हम ये देख सकते हैं कि ये रेस कभी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हमें इन्हें पीछे की तरफ खींचना ही पड़ेगा। तो यहां पे ये रेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएंगे, सिर्फ आपको लगेगा ऐसा। तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो बना है, ये है हमारा इमेज। अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश, आई बात समझ। तो पहली बार इमेज इधर बनेगी, पहली बार रियल होगी, वर्चुअल होगी सॉरी, और वो अपनी हाइट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे शेविंग मिरर के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के हमने क्या क्या यूजेस देख लिए, कहां कहां इसे यूज किया जाता है। एक तो शेविंग मिरर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, और जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो टूथ का एग्जामिन करते हैं, तो वहां पे माइक्रोस्कोप तो लेकर नहीं जा सकते लोग, तो वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर में टूथ की इमेज देखते हैं, जिससे कि उन्हें वो टूथ है थोड़ा बड़ा दिखाई दे और उस इनलार्ज टूथ को वो एग्जामिन करते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो मेडिकल साइंस में डेंटिस्ट लोग होते हैं वो इसे यूज करते हैं माउथ का इंस्पेक्शन करने के लिए, दूसरा कार की हेडलाइट में इसे यूज किया जा सकता है, और तीसरा जो अभी अभी हमने देखा कि ये हमें एज अ शेविंग मिरर, ठीक है, अगर हमारे फेस को हम अच्छे से देख पाएंगे तो उसमें कटने का डर भी कम होगा। तो ये इसके यूजेस रहेंगे इस छठे केस के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।